नेक्स्ट टॉपिक है अपना ह्यूमन बॉडी सबसिस्टम। अब व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन बॉडी सबसिस्टम, क्या होता है ह्यूमन बॉडी सबसिस्टम? हमारी बॉडी के हमारी बॉडी है वो किस प्रकार कनेक्टेड रहती है अपने अदर पार्ट से, इंटरनली कलेक्शन जो ऑर्गन्स है उनसे किस प्रकार कनेक्ट रहती है, किस प्रकार का बिहेव करती है, क्या पर्पस होता है, क्या एक्शन परफॉर्म होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है? तो ह्यूमन बॉडी सबसिस्टम का मतलब है ए सेट और सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड और इंडिपेंडेंट पार्ट्स और एंटिटी लाइक ऑब्जेक्ट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन दैट एक्ट टुगेदर इन ए कॉमन पर्पस और प्रोड्यूस रिजल्ट इम्पॉसिबल बाय एक्शन ऑफ एन एलिमेंट। जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारा नर्व है, नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम किस प्रकार बिहेव करता है, कौन कौन से ऑर्गन्स वहाँ वहाँ होते हैं, क्या बिहेवियर है, किस प्रकार कनेक्टेड रहता है ना। जैसे मस्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ये सारे सिस्टम हमारे किस प्रकार कनेक्टेड रहते हैं या कौन कौन से बोले कि बॉडी पार्ट्स किस किस चीज़ों से कनेक्टेड रहते हैं, किस प्रकार बिहेव करते हैं, उनका फंक्शनिंग क्या है, इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं डेट इज कॉल्ड ह्यूमन बॉडी सबसिस्टम। मतलब एक बॉडी के डिफरेंट पार्ट है, जैसे हम बोलते हैं हमारे एक ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, है ना, तो ये हमारे के अलग अलग पार्ट हो गए बॉडी के, नहीं होगा आईज हो गई, माउथ हो गया, अलग अलग पार्ट है कि नहीं है। तो जो हमारा मेजर जो पार्ट है हमारे बॉडी के वो किस प्रकार किस ऑर्गन से कनेक्टेड रहते हैं और किस प्रकार बिहेव करते हैं, डेट इज कॉल्ड ह्यूमन बॉडी सबसिस्टम। मतलब सबसिस्टम कौन कौन से है वो किस प्रकार कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर आता है न्यूरल सिस्टम, ठीक है? न्यूरल सिस्टम क्या होता है, जनरली हमारा ब्रेन से कनेक्टेड होता है, नर्व सेल से कनेक्टेड होता है कि किस प्रकार हमारा कंट्रोलिंग होता है। तो इसके अंदर दो चीज होती है, एक तो होता है CNS जिसको बोलते हैं हम कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है PNS जिसको बोलते हैं प्राइमरी नर्वस सिस्टम, ठीक है? तो हमारी दो चीज होती है, अभी आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर नर्वस सिस्टम बताता है कि बॉडी हमारी किस प्रकार नर्व्स मतलब जो ब्रेन हमारा एक्टिविटी करता है, तो कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ हमारे बॉडी में कनेक्टेड रहती है, जो सारे सिग्नल हमारे क्या होता है, जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं सारे सिग्नल कहाँ जाते हैं, हमारे ब्रेन के पास जाते हैं। तो ब्रेन क्या करता है, जो हमारे बॉडी में डिफरेंट सेंसर होते हैं उन सेंसर से हमारे नर्व सेल या नर्व सेल हम जो बोले हैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोले नर्व सेल या सेल्स बोले या स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स बोले, जो कि कनेक्टेड रहते हैं हमारे नेटवर्क न्यूरल सिस्टम से, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं और हमारे पास सिग्नल सेंड करते हैं, तो हमारा ब्रेन उस चीज़ों को सेंस करके हमारा बॉडी उस प्रकार रिएक्ट करती है। ये नर्वस सिस्टम का हमारा नॉर्मली फंक्शन होता है। अभी डिटेल में थोड़ा इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे अपन लोग। नेक्स्ट है इसके बाद अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसको अभी अपन लोग। फिर हमारी ह्यूमन बॉडी नर्वस सिस्टम के पार्ट है, अभी इसको पढ़ेंगे अपन लोग टॉपिक को। इसके बाद है अपना मस्कुलर सिस्टम। ये मस्कुलर सिस्टम क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स होती हैं उसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं, किस प्रकार हमारा कार्डियो मसल बिहेव कर रहा है, कौन कौन सी हमारी ब्लड सर्कुलेट कैसे हो रहा है, कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ कहाँ यूज में लेते हैं, ये सारी चीज़ स्टडी करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं ना स्केलेटन मसल इस प्रकार की होती है, स्मूथ मसल इस प्रकार की होती है, कार्डियक मसल, कार्डियक मतलब हार्ट, हार्ट की बात हो रही है, ये हमारी मसल हार्ट में जो मसल रहती है इस प्रकार की होती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब आपका हार्ट, हार्ट किस प्रकार बिहेव करता है, हार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर। जैसे आपने डॉक्टर का नाम भी सुना होगा कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट किसका होता है, हार्ट का डॉक्टर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये हार्ट का डायग्राम है, ये अपना टिपिकल डायग्राम है जो जनरली स्पेशली हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो इसमें अब चार पार्ट है, चार पार्ट तो आप देख नहीं पाओगे, तो उसका ब्लॉक डायग्राम मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे जो चार पार्ट है वो चार पार्ट हमारे इस प्रकार बिहेव करते हैं हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर हम जो बात कर रहे हैं तो हमारी जो ब्लड वेसल होती है तीन प्रकार की होती है, आर्टरी, कैपिलरी और ब्रेन्स। तो ये बेसिक डेफिनेशन पहले ही बताई थी, आर्टरीज क्या होता है, कैपिलरीज क्या होती है और ब्रेन्स क्या होती है ना। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड फ्लो हमारा किस प्रकार होता है, किस प्रकार फंक्शनिंग करता है, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं इसके अंदर, ये इसका पार्ट है। हार्ट का डायग्राम है, ये नॉर्मल डायग्राम है, ये हार्ट का दूसरा डायग्राम आर्टरी डायग्राम है। तो हमारा हार्ट चार पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, तो इसमें आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा, वैसे मैं पार्ट के नाम बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी, ओटोआ, राइट आर्ट्रियम, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। तो अपने पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अपना राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल,
है ना, तो ये अपने चार पार्ट में डिवाइडेड होता है, फिर उनके द्वारा वेन्स वेसल अपनी अपनी हर्ट से कनेक्टेड रहती है, तो उनके अंदर गेट वॉल्व होते हैं, जैसे अपन ऐसे अपनी पानी की टंकी भरते हैं ना, तो एक टंकी भर जाती है तो गेट वॉल्व लगा देते हैं तो दूसरी टंकी पानी फ्लो स्टार्ट हो जाता है, सेम चीज यहाँ होती है हर्ट के अंदर। जब भी हम कोई, जैसे हमारे चार वॉल्व होते हैं है ना, एक ऊपर एक नीचे होता है, तो नॉर्मली नीचे वाला वॉल्व हमारा क्लोज होता है, ऊपर वाला जब वॉल्व ओपन होता है तो उसके अंदर ब्लड इंसर्ट करता है, जब ब्लड इंसर्ट करता है तो एक लेवल में क्या होगा, प्रेशर उस चैम्बर का बढ़ जाएगा, चैम्बर का जब प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारा जो लोअर चैम्बर होता है वो वॉल्व ओपन कर देता है, जब वॉल्व ओपन कर देगा तो हमारा ब्लड नीचे वाले चैम्बर में आएगा, नीचे वाले चैम्बर से फिर हमारे लेफ्ट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड से होते हुए लंग्स में जाता है, फिर हमारे लंग्स में वहाँ ऑक्सीजनेट होता है, फिर वो पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है। तो किस प्रकार हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम काम करता है उसकी भी स्टडी करेंगे हम लोग, कि कैसे काम करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था ना आप लोगों को क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनहेल और एक्सहेल करने, हाँ इनहेल और एक्सहेल करने के काम आता है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो भी हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा करते हैं ना। तो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो हमारे कौन कौन से नॉर्मल टर्म्स काम में आती हैं, लारेक्स बोलते हैं हम लोग, और कई सारी चीजें हैं, तो वो उसकी स्टडी करेंगे। तो लारेक्स होता है, ट्रेकिया होता है, ब्रोंचेस होती है, तो लंग से हमारे जो कनेक्टेड होते हैं। डांडू से हम लोग पढ़ी चुके हैं, तो ये तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। अब बात करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूरल सिस्टम से। न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम होता क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रहे हैं या जो भी न्यूरॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो हम उसको जो भी एक्टिविटी हो रही है तो उसको हम किस प्रकार डिटेक्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड अवर न्यूरल सिस्टम, ठीक है। नर्व सेल जो हमारे होते हैं तो बॉडी के अंदर जनरली नर्व सेल होते क्या है, या नर्व सेल क्या होता है, एक नर्व सेल स्पेशल टाइप का सेल होता है जो कि नर्व के अंदर जो भी हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, उसको मॉनिटरिंग या कंट्रोल करने के काम आता है, जो कि हमारा पीएनएस के अंदर होता है जनरली हमारे, है ना। सेल ऑफ नर्वस सिस्टम जो हमारा बना होता है, इसके अंदर हमारे केमिकल रिएक्शन भी होती है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी जो जनरेट करते हैं, जो कि हमारे सिग्नल को सेंस करके सेंड करने के काम आता है, ठीक है। जनरली इसके अंदर हमारे टू पार्ट से बना होता है, एक पार्ट कहलाता है डेंड्राइट्स और एक कहलाता है एक्सोन। डेंड्राइट्स क्या होती है सर, अगर हमारे हम कुछ बॉडी पे सेंस करते हैं तो सर न्यूरॉन्स के जो पार्ट होते हैं डेंड्राइट्स, वो उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं सर। हाँ बिल्कुल सही बात कही तुमने, जो कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो भी सिग्नल जनरेट हो रहे हैं डेंड्राइट्स को डिटेक्ट करके सेंड करने के काम आती है। जो डेंड्राइट हमारी अगर हम बात करें, इट ट्रांसमिट ए सिग्नल टू वर्ड सेल बॉडी, इट इज ए शॉर्ट नर्वस एंड हाईली ब्रांच एंड कंसिस्ट ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया। मिटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंड सेल होता है ना, जो ऑर्गन सेल होते हैं, तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस होता है ना, वहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो, ये पावर हाउस की तरह भी करता है, जो केमिकल एनर्जी को है ना, उसको उसको जो भी जनरेट हो रही है, जो भी उसको रिक्वायरमेंट है, उसको हमें डिटेक्ट करके देता है, मतलब जनरेट करके दे रहा है जो रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल सही, यही होता है, पावर हाउस ही कह सकते हैं हम, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी हमारी केमिकल एनर्जी, जो कि हमें हमारे बॉडी को सेल्स को रिक्वायरमेंट है, जो भी पावर जनरेट हो रही है, तो उसको वो देती है कि जो केमिकल रिएक्शन के लिए जो हमें पॉसिबल होती है, जो हम केमिकल रिएक्शन कर पाते हैं, है ना, तो इसी के थ्रू जनरेट होती है बॉडी, ठीक है। एक्सोन क्या होते हैं कि एक एक्सोन जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी नर्व सेल जो भी सेंस कर रहे हैं, या जो भी हमारा हम बोले ब्लड फ्लो हो रहा है, जो भी कंडक्शन हो रहा है, तो सिग्नल जो भी हमें मिल रहा है, तो जो सिग्नल हमें मिल रहे हैं, तो वो हमारे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम आते हैं। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के हमारे बहुत थिन, बहुत पतली नर्व्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्प्लेंडर बोलते हैं। इसके अंदर हमारी लंबी लंबी स्प्लेंडर टाइप होती है, जो लॉन्ग स्प्लेंडर बर्ड लगा है ना, तो मतलब थिन लेयर, थिन नर्व्स होती है,
जिसमें हमारा जो भी एक्टिविटी हो रही है तो वो सेंस करके वो हमारे ब्रेन तक जो पहुंचाने के काम आ रही है हमारे, ठीक है। और फिर एक एक चीज है सिनेप्टिक टर्मिनल फ्रॉम द कनेक्शन बिटवीन द एनदर न्यूरॉन एंड इफेक्टिव सेल। तो सिनेप्टिक टर्मिनल्स क्या होते हैं कि जहां पर हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जहां पर स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं, तो वो सिनेप्टिक टर्मिनल्स कहलाते हैं। मतलब हमारे बॉडी जो भी हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं बॉडी के द्वारा, तो क्या होंगे मॉलिक्यूल जनरेट होंगे, मॉलिक्यूल जहाँ से स्टोर हो रहे हैं और रिलीज हो रहे हैं, मतलब हम लोग जनरेट कर रहे हैं और फिर सेंड कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं सेंड कर रहे हैं, तो ना कोई एक्टिविटीज बराबर चल रही है ना, तो हमारे सिनेप्टिक टर्मिनल्स कहलाते हैं। जैसे हमारे मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो भी चीजें हमारी जनरेट हो रही हैं, जो भी हो रही हैं, तो उसके द्वारा हम उसको यूज में लेते हैं। ये बेसिक फंक्शन है हमारे नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम किस प्रकार बिहेव करता है? जनरली नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल और मूवमेंट करने के काम आता है, ठीक है। जो कि हमारे सेल्स को सिग्नल भेजते हैं किसी पार्ट ऑफ बॉडी से या दूसरी जगह सिग्नल्स को भेजते हैं, सेंस करते हैं उन्हें, एक जगह से दूसरी बार हमें डिलीवर करना है या मसल्स के द्वारा जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो उसको डिटेक्ट करते हैं। ये सारा काम हमारा नर्वस सिस्टम का होता है, और जो भी ब्लड फ्लो स्ट्रीम हो रही है, जो भी फ्यूल फ्लो हो रहा है, तो सारा को नर्वस सिस्टम के द्वारा ही हमारा कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये हमारा जो बॉडी के अंदर कई सारे सेंसरी एलिमेंट है तो उनके द्वारा सिग्नल को जनरेट करके हमारे ब्रेन को या वहां पर हमें सिग्नल को सेंड कर देता है, जिसके द्वारा हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारे क्या क्या एक्टिविटी जनरेट हो रही है और उसके जो भी डिफरेंट पैटर्न जनरेट होते हैं तो वो भी हमें इसके अंदर जो ब्रेन की एक्टिविटी के द्वारा मेजरमेंट करते हैं तो हमें वहां से मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे जनरली क्लासेस हैं न्यूरॉन्स की। जनरली दो प्रकार की क्लासेस हैं, एक है सेंसरी न्यूरॉन, एक है इंटरनल न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी सेंड हो रही है तो उसको सेंस करना, आइदर इंटरनली हो, एक्सटर्नली हो, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, जहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है ये उसको सेंस करता है, ठीक है। इंटरनल न्यूरॉन्स क्या है कि जो हम जो भी इनपुट उसके अंदर या आउटपुट सिग्नल हमारे आया उसको सेंस करके हमारे सेंट्रल सिस्टम में सेंड करना, ये हमारा वर्क है न्यूरल सिस्टम का, ठीक है। उसके अलावा हम मैं बता रहा हूँ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सेकंड टॉपिक आज का। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है जनरली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मैंने अभी पहले ही बताया था आपको कि ये हमारा रिलेटेड होता है हार्ट से, ये हमारे हार्ट की एक्टिविटी को डिफाइन करता है कि हार्ट जो हमारे हार्ट हमारा किस प्रकार फ्लो हो रहा है, ब्लड वेसल में किस प्रकार जा रहा है। अभी इस यूनिट के अंदर ये टॉपिक थोड़ा स्मॉल में पढ़ना है, आगे वाले यूनिट में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अभी तो केवल ह्यूमन बॉडी सब सिस्टम के अंदर जो हमारे टॉपिक आ रहे हैं इसको इंट्रोडक्शन टाइप समझ रहे हैं, ठीक है। तो जो ब्लड वेसल है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, तीन प्रकार की ब्लड वेसल होती है, आर्टरी, कैपिलरी और वेंस। आर्टरीज क्या होती है, यहाँ से हमारा ब्लड एक जगह से हार्ट से जा रहा है कैपिलरीज के अंदर। कैपिलरी क्या होती है, जहाँ पर हमारे न्यूट्रंस और वेस्ट का एक्सचेंज हो रहा है टिश्यू के द्वारा, वो कैपिलरीज के द्वारा कनेक्ट रहती है। वेंस हमारा जहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है हार्ट में, तो वो हमारी वेंस से कनेक्टेड रहती है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना और हमारे जो टिश्यू है उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराना। मैंने पहले ही बताया था कि हमारे बॉडी का हार्ट का काम क्या होता है, केवल ब्लड को पंप करना। फिर लंग्स हमारा सपोर्टिंग एलिमेंट है हार्ट के लिए, जो क्या करता है कि जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है उसको ऑक्सीजनेटेड करता है, क्योंकि हम जो एयर इनहेल करते हैं तो वो कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। फिर हमारा जो हार्ट ब्लड फ्लो करता है तो वो क्या करता है, इसके साथ केमिकल रिएक्शन करता है। जब वो केमिकल रिएक्शन करता है तो क्या होगा कि जब भी केमिकल रिएक्शन करेगा तो जो हमारा ब्लड है वो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, मतलब उसको ऑक्सीजन मिलेगी, है ना। जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी तो वो एनर्जाइज हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा तो जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स है वो एनर्जाइज होंगे, एनर्जाइज होंगे तो बॉडी हमारी एनर्जी में हमें दिखेगी। हम नहीं कहते कि कभी कभी लेजीनेस सी आ रही है, तो क्यों, क्योंकि हम हमें लगता है ना कि हमारे जो ब्लड फ्लो हो रहा है या जो भी है बहुत कम हो रहा है, तो या जैसे किसी का बीपी कम हो जाए तो उसको थकावट सी हो जाती है, नींद भी आती है, आलस बहुत आता है। उसका रीजन यही होता है कि उस समय क्या होता है कि हमारा जो ब्लड रेट है तो उस रेट से हम फ्लो नहीं कर पा रहा, तो हमारा जो लंग्स है प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है। मतलब जितने परसेंट हम एयर को कंज्यूम कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, उतना हम वर्क नहीं कर पाते। तो हमारे जो टिश्यू है या बॉडी को रिक्वायर्ड जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलती, तो हमें लेजीनेस सी फीलिंग आती है, ठीक है। तो हमारा जो मेन काम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वही काम होता है कि जो भी वाइटल फंक्शन है हार्ट के, जो ब्लड पंप कर रहा है, न्यूट्रिशन है टिश्यू को वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है
तो प्रॉपर हो और इसके अंदर जो भी वेस्टेज हो उनको हम बाहर निकाल सकें। तो वेस्टेज क्या होता है, जनरली कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम उसको एक्सहेल करके बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो अगर मेन ऑर्गन्स की बात करें सर्कुलर सिस्टम में, तो हमारा क्या है, हार्ट है। मैंने पहले बताया था कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेन पार्ट क्या है, अपना हार्ट है। कि हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड को पंप करना और पूरे बॉडी के अंदर हेड से लेकर फूट तक ब्लड सर्कुलेशन को प्रोवाइड कराना, जिससे हमारी जो बॉडी है उसके अंदर न्यूट्रिशन ऑक्सीजन उसको टिश्यू को प्रॉपर मात्रा में मिलते रहे, है ना। ये डायग्राम है हमारा हार्ट का, नॉर्मल हार्ट है, ये हमारा हार्ट है स्पेशल हार्ट। तो नॉर्मल हार्ट या स्पेशल हार्ट की हम बात करें, नॉर्मल हार्ट का मतलब है कि जब हमारा हार्ट इसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है ना। एक मैं चीज और भी डायग्राम और दिखाऊंगा आपको, जिसके अंदर हम कहते हैं एक तो हमारा हार्ट जो होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे चार पार्ट में डिवाइडेड होता है, बताया था ना, चैम्बर होते हैं अलग अलग, है ना। तो इसको बोलते थे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम। तो हमारा जो हार्ट है वो चार पार्ट में डिवाइडेड होता है, उसके अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट वॉल्व्स लगे होते हैं। तो वॉल्व्स का ओपन और क्लोज होना ही हमारे जो ब्लड है बॉडी में वो किस प्रकार फ्लो होता है तो उसको शो करता है। एक बार मैं देखता हूँ, अगर डाउनलोड हो जाए तो आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन डिसअपीयर हो गई आपकी क्या? एक मिनट रुको जरा, अभी दिख रहा हूँ सर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी दिखाई देगा बेटा, टेंशन नहीं लो, अभी दिखाई देगा। यस सर, आपके यस तेरे इंटरनेट स्लो है। इंटरनेट स्लो है, देख ये अपना हार्ट का जो मैंने बोला था ना, हार्ट अपना चार पार्ट में डिवाइडेड, अब दिख रही है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो अभी मैंने जो डायग्राम दिखाया था वो हार्ट का एक्चुअल डायग्राम था, ये अपना क्या है ब्लॉक डायग्राम है हार्ट का। तो अपना हार्ट फोर चैम्बर में डिवाइडेड होता है, आरए राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये गेट से लगे हुए हैं इसमें, तो ये वॉल्व है ना, ये ऊपर से भी वॉल्व से कनेक्टेड रहता है, नीचे भी वॉल्व रहते हैं। तो अपना वॉल्व में क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो क्या जो वेन्स है या कैपिलरी है वहां से क्या करेगा, ब्लड को लेगा, ब्लड को लेगा। तो सबसे पहले हमारे राइट एट्रियम में ब्लड एंटर करता है, और हमारा जो राइट वेंट्रिकल का जो है वो वॉल्व जनरली क्लोज रहता है। तो जब हमारा इसका वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो क्या होता है, प्रेशर से राइट वेंट्रिकल का वॉल्व ओपन हो जाता है। जब ये वॉल्व ओपन होगा तो ब्लड हमारा कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से होते हुए लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा। सेम प्रोसीजर जो राइट आर्ट्रियम होता है वो लेफ्ट आर्ट्रियम में होगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड होते हुए वो हमारे फिर हमारे लंग्स में और जाता है। लंग्स में क्या होता है, वो ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर जाके वो ब्लड हमारा जनरली फ्लो होने लगता है सिर से लेकर पैर तक। इसका एक और डायग्राम है, वो जब मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिटेल में, तब बताऊंगा आपको कि हमारा ब्लड किस प्रकार फ्लो होता है, ठीक है। ये जनरल आपको रफ आइडिया पड़ गया होगा कि हमारा जो हार्ट है चार पार्ट में कैसे डिवाइडेड होता है, है ना। तो अभी मैं मेन स्लाइड, मेन पीपीटी दिखा रहा हूँ, उसकी मेन पीपीटी में जो उसमें डायरेक्ट डायग्राम था हार्ट का अपना, है ना। तो ये देखें, तो हमारा ये लिखा है ना कि राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। एक्चुअली ये हमारे हार्ट के अंदर किस प्रकार डिवाइडेड है, ये तो हमने क्या करा, उसका ब्लॉक डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार हमारा ब्लड फ्लो होता है। तो हमारा जो ब्लड फ्लो होता है, सबसे पहले हमारा क्या होता है, आर्ट्रीज के द्वारा, पल्मोनरी आर्ट्रीज होती है ना, जो हमारी लंग्स से कनेक्टेड होती है। हमारा जो ब्लड जाता है वो लंग्स में पल्मोनरी आर्ट्री के द्वारा जाता है, और जब वो एंटर करता है तो ओटोवा के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर इनर्ट करता है, उसके अंदर हमारा ब्लड आता है, ठीक है ना। क्लियर है या कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, कुछ समझ में आया नहीं आया? सर एक बार रिपीट कर, आपने बताया था अभी जो। देखो एक्चुअली में क्या है, अपना हार्ट है वो फोर पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। अभी तो मैंने जो ब्लॉक डायग्राम दिखाया था, ये अपना एक्चुअल हार्ट का डायग्राम है। तो आप एग्जाम में ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो, जरूरी नहीं है ये डायग्राम बनाए, थोड़ा टिपिकल होता है ना, तो आप ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो जब हम हार्ट को फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो
पार्ट कौन कौन से होते हैं, राइट आट्रियम, लेफ्ट आट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये चार चैम्बर बन जाते हैं अलग अलग। जब ये चार अलग अलग चैम्बर हैं तो इन चैम्बर के अंदर से ब्लड होते हुए निकलेगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है तो हमें पता नहीं पड़ता, ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता है तो हमें पता नहीं पड़ता। जनरली क्या होता है, हर चैम्बर में ब्लड आता है, तो जब ये ब्लड एंटर करता है तो हमारा जनरली दूसरा वॉल क्लोज होता है। तो ब्लड जब तक एंटर करता रहता है तब तक उस वॉल का प्रेशर ना बढ़ जाए। एक लेवल के बाद क्या होता है, वॉल ओपन हो जाता है तो ब्लड फिर वहां से निकल के दूसरी साइड जाता है। सेम प्रोसेस वहां पर होता है, फिर चैम्बर भरता है, चैम्बर भरने के बाद जब उसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो फिर से वो रिलीज कर देता है, तो वहां से निकलते हुए लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है ब्लड की, जहाँ पर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब ब्लड को ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर लंग्स से ब्लड हमारे वेन्स के द्वारा हेड में और फूट में, मतलब सिर से लेकर पैर तक ब्लड फ्लो होता है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। तो इससे हमारे पूरे बॉडी में या टिश्यू में हमें न्यूट्रिशन और एनर्जी मिलती रहती है, टिश्यू को भी और पूरे ऑर्गन सेल्स को भी, जो कि ऑक्सीजनेट ब्लड हमें देता है, ठीक है। अगर वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा तो क्या होगा कि प्रॉपर मात्रा में बॉडी को या ऑर्गन्स को हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजनेटेड ही नहीं है। तो वो पुराना ब्लड अगर फ्लो होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा, जैसे आपने देखा होगा वेंटिलेटर में क्या करते हैं, वेंटिलेटर में क्या होता है, कुछ आइडिया किसी को? यस सर, क्या होता है वेंटिलेटर में? सर ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है सर, अगर 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 लंग्स से ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो सर ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। वेंटिलेटर के अंदर केवल हम क्या करते हैं, हार्ट को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। हार्ट जिंदा कब तक रहेगा, जब तक वो पंप करता रहेगा, है ना। हम लोग क्या कहते हैं, आदमी कब तक जिंदा है, जब तक उसकी धड़कन धड़क रही है ना। तो वेंटिलेटर में भी सेम प्रोसीजर होता है। हम क्या करते हैं कि जब हमारे बॉडी के ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं तो हम पेशेंट को क्या करते हैं, वेंटिलेटर पर देते हैं। वेंटिलेटर क्या करती है कि उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है और उसका हार्ट को पंप करती रहती है ना। हार्ट उसका हार्ट मतलब हार्ट सही है तो पंप कर रही है, तो उसकी क्या होगी, ऑक्सीजन हम उसको देते हैं तो उसका बाकी ऑर्गन्स को जिंदा रखने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि अगर उसका हार्ट तो अगर उसका ठीक है लेकिन बाकी ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं, जैसे लंग्स काम नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो होगा वो ऑक्सीजन ब्लड नहीं होगा, ब्लड नहीं होगा तो बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो हमारे धीरे धीरे खराब हो जाएंगे। तो डॉक्टरों को उतना टाइम मिल जाता है, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है कि किसी भी ह्यूमन का ट्रीटमेंट कर सके, किसी भी ह्यूमन का वो क्या कर सकें, ट्रीटमेंट कर सकें। इतना उन्हें सफिशियंट टाइम मिल जाता है। क्लियर है ना? नहीं सुन में आया? हेलो, आ गया सर, है ना, कि पेशेंट आ गया सर, डॉक्टरों को इतना टाइम मिल जाए कि उसको वो जिंदा रख के उसके ऑर्गन्स को फंक्शन में लाने का काम कर सके। जनरली क्या होता है, जैसे लंग्स में काम करना बंद कर दिए, डॉक्टर क्या कहता है, वेंटिलेटर रख के फिर हमें वेंटिलेटर से हमारे बॉडी पार्ट्स को जिंदा रखने की कोशिश करता है, फिर वो उसको ट्रीटमेंट करता रहता है। हो सकता है शायद ये फंक्शनिंग में एक बार आ जाए, तो फिर बॉडी फिर हम वेंटिलेटर से हटा के नॉर्मल उस पर हमारे यूज में ले सके। तो वेंटिलेटर का ये फंक्शन होता है। तो जब तक हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा तो हमारे ऑर्गन्स या टिश्यू प्रॉपर सही फंक्शनिंग नहीं करेंगे, है ना। ये हमारा